ये प्रश्न आ जाता है घूम फिर करके, एक तो अपना ऑब्जेक्टिव में भी आया था ये, राष्ट्रीय आय से आप क्या समझते हैं? सकल घरेलू उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, शुद्ध घरेलू उत्पाद, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की अवधारणाओं की व्याख्या कीजिए। सेकंड चैप्टर पे आ गए, कहाँ पे आ गए? द्वितीय अध्याय पे। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा, एक आपको एकदम बिल्कुल आसानी से लिखकर बताता चला जाऊंगा। बाकी सारा टेक्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको आप अपने आप समझिए। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ प्रोफेसर ए सी पी गो के अनुसार, इस तरह की चीज लिखकर क्या होगे, आपको एग्जामिनर खुश हो जाता है। नहीं लिख के आओगे तो भी चलेगा, रटने बैठ जाओगे कि किसने क्या कहा था, वो बेवकूफी होगी, कभी मत करना। समझ रहे हो ना, इस तरह की चीजें, ये सब छोटी छोटी चीजें होती है, इनसे ऊपर उठो थोड़ा, ठीक है? समझो विषय को, समझो विषय के प्रति अपने प्यार को, इंटरेस्ट को जगाओ। ये सारी चीजें बेवकूफी वाली होती है। बहुत सारे बोर्ड एग्जाम्स के टीचर्स होते हैं जिससे ऊपर नहीं उठ पाते, इस तरह की चीजें करते हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप सही लिख करके आओगे तो मार्क्स थोड़ी काट लेंगे, है ना? अच्छा, अभी क्या हुआ समझ लो, जीडीपी अपने को मिल गई, सकल घरेलू उत्पाद, डी मतलब डोमेस्टिक मतलब घरेलू, इसमें आपने क्या किया, एनएफआईए को जोड़ा, यानी कि विदेशों से प्राप्त निवल कारक आय, तो आपको मिल जाता है जीएनपी, घरेलू से राष्ट्रीय बन गया, ठीक। घरेलू का मतलब क्या होता है, देश की सीमा के अंदर जो कुछ भी हुआ। राष्ट्रीय का मतलब क्या होता है, देश के लोगों ने जो कुछ किया, ऐसे समझ लो। अब देश के लोग तो अमेरिका में भी रहते हैं और देश की सीमा के अंदर तो विदेशी भी रहते हैं, तो विदेशियों का घटाया और बाहर वालों का जोड़ा, जो देश के ही लोग हैं, तो बन जाता है जीएनपी, बोले तो राष्ट्रीय, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ठीक। घरेलू से तो सकल राष्ट्रीय पर पहुंच गया। अच्छा, अब सकल से हम लोग शुद्ध पर पहुंचे या निवल पर पहुंचे तो कैसे पहुंचेंगे भाई? घिसावट होती रहती है रोड्स में वगैरह में, इन्वेस्टमेंट में, तो उसको हम लोग बोल देते हैं डेप्रिसिएशन। इसी को हम लोग बोल देते हैं क्या, मूल्यह्रास। मूल्यह्रास क्या होता है, कोई भी किसी भी तरह की पूंजी है, उस पूंजी में घिसावट होती रहती है समय के हिसाब से, वियर एंड टियर होता रहता है, मौसम खराब है, सड़क खराब होगी, रेल की पटरियां खराब होंगी, है ना, कोई नहर है उसमें सिल्टेशन होता जाएगा, पानी की जो गहराई है वो कम होती जाएगी, तो उसको भी आपको हटाना पड़ेगा जिससे कि उसमें जहाज चल पाए, नाव चल पाए, तो इस तरह की चीजें ट्रांसपोर्टेशन में हो गया, बिजली के तार पुराने होते चले जाते हैं, कोई भी चीजें, सारी चीजों में घिसावट हो रही होती है, उसी को बोल देते हैं डेप्रिसिएशन। तो ग्रॉस यानी कि सकल से डेप्रिसिएशन जब आप घटा देते हो तो आपको क्या मिल जाता है, निवल या शुद्ध, क्या मिल जाता है, शुद्ध। भाई आपने जोड़ी 50 रुपए की चीज, क्या जोड़ी, 50 रुपए की चीज, लेकिन 30 रुपए की तो घिसावट ही हो जाती है, तो शुद्ध जोड़ा कितना, 20 रुपए तो शुद्ध जोड़ा, क्योंकि 30 की तो घिसावट हो ही रही है, घिसावट किसी को मिल रही है क्या, नहीं मिल रही है, ये खो जा रही है, कोई वैल्यू ऐड नहीं हो रही, लेकिन हमें उसको जोड़ना पड़ेगा ना। मैं तो थोड़ी बोलेंगे हमें 50 रुपए ऐड कर दिए, क्योंकि 30 रुपए की घिसावट ही, उसको घटा करके तो हमें शुद्ध जो परिवर्तन वो मिलेगा। तो शुद्ध कब मिलता है अपने को, जब हम लोग जीएनपी से डेप्रिसिएशन घटा देते हैं तो हमें मिल जाता है एनएनपी, क्या मिल गया, एनएनपी। अब एनएनपी भी जो हमें मिला वो हम लोग मार्केट प्राइस की बात करते हैं, किसकी, बाजार कीमतों पर। तो एनएनपी जो हमारा मार्केट प्राइस पर है, उसमें से अगर हम लोगों ने इनडायरेक्ट टैक्सेस को घटा दिया, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को, नेट का मतलब क्या होता है, नेट का मतलब होता है शुद्ध, क्योंकि सरकार टैक्स लगाती भी है तो उपदान भी देती है, उपदान मतलब सब्सिडीज भी देती है, तो उसको जब घटा देते हैं हम लोग तो हमें क्या मिल जाता है, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, यानी कि फैक्टर कॉस्ट बोले तो क्या, साधन लागत, क्या होता है ये, साधन लागत, और साधन लागत पर ही जो एनएनपी आपका आता है उसी को हम लोग बोल देते हैं राष्ट्रीय आय। सेकेंड चैप्टर में 5-6 वीडियोस में बहुत लंबी लंबी कहानी में बहुत ही प्यार से समझाया है, जिन्होंने वीडियोस नहीं देखे हैं प्लीज देख लीजिए, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, बाकी सारा ज्ञान यहाँ पर लिखा हुआ, आप उसको भी आराम से पढ़ करके समझ सकते हो, ठीक है? अच्छा, कोई डाउट हो तो उसमें कमेंट बॉक्स में लेकर के बता देना, वीडियो से देख लेना यार, वहीं पर सारी चीजें इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक। अच्छा, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद क्या हुआ, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का मतलब क्या हुआ, एन एन पी, यही तो थी, ठीक। अच्छा, सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से मूल ह्रास को घटा दिया जाए तो हमें शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त होता है। अच्छा, तो मूल ह्रास के बारे में कहीं कुछ कुछ लिखा होगा शायद, मूल ह्रास आपको बता देता हूँ क्या होता है, मूल ह्रास को समझना होगा, मूल ह्रास एक वर्ष की अवधि में निवेश खर्च का वह हिस्सा है जो कि खराब उपकरणों को बदलने के लिए व्यय किया जाता है। सिर्फ उपकरण नहीं खराब होते हैं, जो चीजें पुरानी पड़ गई हैं उसके मेंटेनेंस में भी खर्च होता है, और ऐसा करना उत्पादन के स्तर को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। यह किसी भी तरह से अर्थव्यवस्था की क्षमता में वृद्धि नहीं करता है। यदि इसी मूल ह्रास को सकल घरेलू उत्पाद से हटा दिया जाए तो शुद्ध मिल जाता है। देखा, सकल से शुद्ध कब मिल रहा है, जब आपने मूल ह्रास को घटा दिया। आगे बात समझ में। अच्छा, अब हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर, पूर्ण रोजगार
एवं अनैच्छिक बेरोजगारी की धारणा पर प्रकाश डालिए। प्रकाश डालना है, टॉर्च लेकर के आइए, प्रकाश डालते हैं इसके ऊपर। क्या क्या होता है पूर्ण रोजगार से आशय क्या है अपना? पूर्ण रोजगार का मतलब ये होता है कि जितनी श्रम की मांग है उतनी ही श्रम की पूर्ति है। क्या बोला मैंने? कोई भी व्यक्ति बेरोजगार ना हो, श्रम की मांग और पूर्ति बराबर हो। श्रम की मांग और पूर्ति बराबर हो, ये जवाब लेकर क्या हो गए तो ज्यादा ऐसा लगता है कि अर्थव्यवस्था के अर्थशास्त्र के विद्यार्थी हो। ठीक, समष्टि अर्थशास्त्र के आधार पर पूर्ण रोजगार से आशय क्या हो जाता है? किसी दिए हुए वास्तविक मजदूरी स्तर पर श्रम की मांग श्रम की उपलब्ध पूर्ति के बराबर होती है। अब इसमें इंपॉर्टेंट टर्म जो मैंने स्किप कर दिया था पहले, वो इंपॉर्टेंट है, उसको क्या लिखना होगा? किसी दिए हुए वास्तविक मजदूरी स्तर पर। ऐसा नहीं है आप कितना पैसा दे रहे हो उसके हिसाब से बात हो रही है। मान लीजिए आप इस वाले केस में जो भी आपने यहाँ पर देखो, ये आपकी अनैच्छिक बेरोजगारी की बात है। किसकी बात हो रही है? अनैच्छिक बेरोजगारी की। क्या हो रहा है ऐसा? यहाँ पर आपकी मजदूरी है, ठीक, अच्छा, और यहाँ पर आपका क्या हो रहा है? श्रमिकों की संख्या, श्रमिकों की संख्या के लिए इसको वास्तव में हम लोग श्रम आर्स कहते हैं। आर्स मतलब घंटा, ठीक है, कितने देर काम किया जा रहा है। श्रमिकों का हम जो काउंट करते हैं एक्चुअली वो श्रमिकों की संख्या की जगह श्रम वर्क आवर्स को काउंट करते हैं। अच्छा, तो वो क्या रहा है? ये आपका डिमांड वक्र है, मांग वक्र ऐसा ही होता ही है, सप्लाई ऐसा ही होता है। ठीक, जैसे जैसे वेज बढ़ाओगे ज्यादा लोग काम करना चाहेंगे, है ना, हमेशा ऐसा काम नहीं होता। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट दोनों लगता है, बट इन जनरल छोटे कीमत स्तर पर, छोटी मजदूरी दर पर तो ऐसा ही होता है कि आपका सप्लाई कर्व ऊपर जाएगा, डिमांड कर्व आपका नीचे जाएगा। कब? जैसे जैसे प्राइसेस बढ़ रहा है। देखो प्राइसेस बढ़ रहा है तो डिमांड कर्व क्या हो रहा है? इधर जा रहा है, है ना। इधर जाने का मतलब क्या हुआ? कम श्रमिकों की मांग है। भाई आपको 100 रुपए देना पड़ रहा है मजदूर को तो आप 2 लेबर्स बुला रहे हो, आपको 200 रुपए देना पड़ रहा है तो आपने बोला नहीं नहीं हम एक भी लेबर को नहीं हायर कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि आप पैसे दे नहीं पा रहे हो। तो आपने श्रमिकों की लेबर यानी कि जो लेबरर्स की डिमांड थी वो कम कर दी। किसने कम की? फर्मों ने, जो फर्म्स हैं उन्होंने। तो क्या होता है अब ये जो यहाँ पर आपको इक्विलिब्रियम पॉइंट तो आसानी से मिल जाता है ये पूर्ण रोजगार बिंदु पर। क्यों? क्योंकि जितनी आपकी डिमांड है, डिमांड कितनी हो रही थी? इतनी, यहाँ तक। सप्लाई भी कितनी हो रही? वो भी तो इतनी हो रही है यार, देखो यहाँ से यहाँ तक ही तो हो रही है। तो सप्लाई डिमांड बराबर हो गई तो आपका क्या हो गया? इक्विलिब्रियम हो गया। और इक्विलिब्रियम पर यहाँ पर आपको पूर्ण रूप से क्या दिखा है? कोई भी बेरोजगारी नहीं है। अब इसी का उल्टा थोड़ा सा कुछ ऐसा सीन बन जाए, मान लो वेज लेवल आपका इतना है। अब इतना जब वेज लेवल है तो लोग सप्लाई करने के लिए इतना रेडी है, यहाँ तक तो लोग सप्लाई करना चाह रहे हैं। ठीक, क्या सप्लाई करना चाह रहे हैं? श्रम देना चाह रहे हैं, इतना ज्यादा श्रम देने के लिए लोग तैयार हैं। लेकिन इस स्तर पर फर्म सिर्फ इतने की मांग कर रही है। कितने की मांग कर रही है? सिर्फ इतने की। तो ये वाला जो हिस्सा आ गया, कौन सा वाला? ये वाला हिस्सा, ये क्या हो गया? इतने की मांग है, सप्लाई इतनी ज्यादा है, तो ये अधिपूर्ति हो गई। किसकी अधिपूर्ति हो गई? श्रमिकों की या श्रम आवर्स की, श्रमिक घंटों की। अब श्रमिक घंटों की जब अधिपूर्ति है तो क्या हो गया? यही तो बेरोजगारी है। ज्यादा लोग काम करने के लिए तैयार है, गांव की चौक पे, शहर की चौक पे जाके खड़े हो जाते हैं, उनको रोजगार नहीं मिलता, तो उसी को हम लोग बोल सकते हैं क्या? अनैच्छिक बेरोजगारी। लोग काम करना चाहते हैं लेकिन उनको पैसे नहीं मिल रहे। ठीक, अच्छा, यही होता है बस। अब यहाँ पर भी लिखा हुआ है लर्नर के अनुसार। अब ये सब जरूरी नहीं है, आप उनका नाम याद रखो, समझ लो उन्होंने क्या बोला हुआ है। हाँ, ये जरूर थोड़ा इंपॉर्टेंट कि परंपरावादी और आधुनिक परिभाषा में क्या होता है। आधुनिक परिभाषा में हम लोग एक दो चीजों को मानते हैं जिस वजह से कि स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? संरचनात्मक बेरोजगार। संरचनात्मक रूप से लोग हमेशा बेरोजगार रहेंगे क्योंकि अर्थव्यवस्था अपनी संरचना को बदल रही होती है और बदलती हुई संरचना की वजह से कुछ तरह के रोजगार लुप्त होते जाते हैं और उस तरह के लुप्त हो जाने के रोजगार के वजह से जो लोग बेरोजगार होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं क्या? संरचनात्मक बेरोजगार, जो हमेशा ही होंगे। तो उनको हम लोग इस तरह से बेरोजगारी में काउंट नहीं करते क्योंकि वो तो होगा ही होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाता है? आधुनिक परिभाषा के अनुसार पूर्ण रोजगार की वह स्थिति है या पूर्ण रोजगार वह स्थिति है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति जो काम करना चाहता है वो कर रहा है, सिवाय उनके जो संघर्षात्मक अथवा संरचनात्मक बेरोजगार है। ठीक, अच्छा, और पुरानी जो परिभाषा थी उसमें क्या था? पूर्ण रोजगार व्यवस्था जिसमें वे सब लोग जो मजदूरी के वर्तमान दरों पर काम करने के योग्य तथा इच्छुक हैं, योग्य तथा इच्छुक हैं। जो इच्छुक नहीं है उसको बेरोजगार नहीं मानते हैं। मुझे काम ही नहीं करना तो मैं बेरोजगार नहीं हो सकता। ठीक, बिना किसी कठिनाई काम प्राप्त कर सकते। ये पुरानी परिभाषा हुआ करती होती थी, अभी नई में ये अच्छी परिभाषा है क्योंकि संघर्षात्मक और संरचनात्मक बेरोजगार हमेशा ही आपके रहते ही है। ठीक है, अच्छा, एक बात आई, मैं बेरोजगार तब तक नहीं होता जब तक मैं काम को ढूंढ नहीं रहा, मुझे करना ही नहीं है तो फिर मैं रोजगार नहीं हूं, है ना। चाह घटी चिंता घटी मनवा बेपरवाह, जिनको कुछ नहीं चाहिए वे शाहन के शाह, ऐसा बोले आते हैं। जिसको कुछ चाहिए नहीं है वो तो राजाओं से भी बड़ा है, है ना। खैर, उसके चक्कर में मत पड़ना। ये कुछ कुछ चीजें ऐसी लिखी गई है जिसको सुन करके
अपना अपना काम चला करके आगे बढ़ जाया करो। अच्छा, अनैच्छिक बेरोजगारी क्या हुई? अनैच्छिक बेरोजगारी वह स्थिति है जिसमें लोगों को रोजगार के अवसर के अभाव में बेरोजगार रहना पड़ता है, जो कि स्थिति मैंने आपको यहाँ पर दिखाई थी, ये वाली। ठीक। अच्छा, जब लोग मजदूरी के वर्तमान दर पर काम करने को तैयार हैं लेकिन उन्हें काम नहीं मिलता तो उसे अनैच्छिक बेरोजगारी कहा जाता है। और आप इसमें देख पा रहे हो ना, जैसे ही आपने इक्विलिब्रियम लेवल से ऊपर की बेरोजगारी दर सेट की थी, मजदूरी दर, तब अनैच्छिक बेरोजगारी आई। और बहुत सारी सरकारें आती हैं जो लोग क्या बात करती हैं, मिनिमम वेज की, कम से कम इतनी मजदूरी तो देनी ही चाहिए, तो उसका एक रिपरकशन होता है, उसका एक नकारात्मक प्रभाव पड़ता है कि लोग बेरोजगार हो जाते हैं। ठीक। जो अर्थशास्त्र के विद्यार्थी हैं उनको लग रहा होगा थोड़ा अटपटी बात लग रही होगी, लेकिन इसको भी हम लोगों ने काफी अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। रिजर्व बैंक के कार्य, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के काम काम क्या क्या है? बहुत सारे काम है। मौद्रिक प्राधिकारी है, मेन मॉनेटरी अथॉरिटी है, रुपए छापती है, एक रुपए के नोट और सिक्कों को छोड़ करके तो आपका जो कुछ भी आता है वो पूरी पूरी करेंसी मेनली कौन, आरबीआई छापती है। सरकार की बैंक है, सरकार को समस्या होती है तो सरकार कहाँ पैसे ले सकती है, रिजर्व बैंक के पास। हालांकि हमारा एक एक्ट हुआ करता था FRBMA, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, जिसके तहत सरकार सीधे तौर पर अपनी सिक्योरिटीज को आरबीआई को नहीं भेजती, मतलब आरबीआई से सीधे तौर पर लोन नहीं लेती है, लेकिन बैंक्स भी आरबीआई के पास जाकर के लोन ले सकती हैं। तो बैंक्स के लिए भी जो बैंक है वो आरबीआई है, सरकार के लिए भी जो बैंक है वो आरबीआई है। सरकार मौद्रिक प्राधिकारी है, देश में कितनी करेंसी होगी वो भी आरबीआई डिसाइड करती है। फिर जो वित्तीय प्रणाली है उसका विनिमायक ये भी है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो, है ना, और बैंक रेट, ये सारी चीजों का CRR कितना होगा, SLR कितना होगा, इन सारी चीजों को कौन नियामक है, कौन रेगुलेट करता है, तो आरबीआई करती है। ठीक। विदेशी मुद्रा प्रबंधक कौन करता है, फॉरेन एक्सचेंज कितना ज्यादा काम करती है भाई आरबीआई, है ना, दया आ जाती कभी कभी ऐसे लोगों के ऊपर, FRBMA, हाँ, तो क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा काम करती है और बहुत रिस्पेक्ट भी है आरबीआई के लिए। तो ये फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को भी मैनेज करते हैं, है ना, बाजार से फॉरेन एक्सचेंज को खरीदते और बेचते हैं, हमारा फॉरेन एक्सचेंज इतना रहे कि हमें अगले 8-10-15 महीने के लिए जो भी इंपोर्ट करने की चीजें हैं उसके लिए हमारे पास पर्याप्त संसाधन हो और हमारी करेंसी में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस ना आ रहे हो फॉरेन एक्सचेंज रेट में, उसको भी देखते हैं। अब जैसे लिखा हुआ विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 का प्रबंध करता है, तो यह अधिनियम किस साल में पास हुआ था, इन सबकी महत्व नहीं होता है, महत्व क्या होता है, विदेश की व्यापार होना चाहिए यहाँ पर, भुगतान को सुविधाजनक बनाना और भारत में विदेशी मुद्रा बाजार का क्रमिक विकास करना और उसे बनाए रखना, ये चीज महत्वपूर्ण है। तो ये लेकर क्या होगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। फिर मुद्रा जारी करता तो मैंने आपको बताई दिया था, विकासात्मक भूमिका, राष्ट्रीय उद्देश्यों की सहायता के लिए व्यापक स्तर पर प्रोत्साहन प्रोत्साहनात्मक कार्य करना, वही है कि देश की जो ओवरऑल लार्जर ग्रोथ ऑब्जेक्टिव्स है उनमें सपोर्ट करना। हालांकि अपने अपने अलग अलग तरह पर इसका जो अपने इमीडिएट गोल्स होते बदलते रहते हैं, भी पिछले कई समय से ऐसा भी है कि महंगाई को कंट्रोल करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट गोल रहा है, जिसमें ऐसा था कि 2% से 6% के बीच में महंगाई दर रखनी चाहिए, ना इसके कम ना इससे ज्यादा, ये इसकी कोशिश रही है, ग्रोथ को थोड़ा पीछे सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव बना लिया। ठीक, ऐसा हो जाता है। संबंधित कार्य क्या है, सरकार का बैंकर है, बैंकों के लिए बैंकर है, केंद्र राज्य सरकारों के लिए व्यापारी बैंक की भूमिका अदा करता है, उनके बैंकर का कार्य भी करता है, सभी अनुसूचित बैंकों के खातों में के बैंक के खाते रखता है, सारी जो बैंक्स होती है आपको पता होगा ना, CRR SLR की हमने बात की थी, जो भी शेड्यूल्ड बैंक्स हैं, अनुसूचित बैंक्स का मतलब क्या हुआ, शेड्यूल्ड, जो जो जिनका जिनका शेड्यूल किया हुआ है, जो एक तरह से लिखे हैं, उनको कहां पर करते हैं, वो अपना रिजर्व बना करके रखती हैं आरबीआई में। तो हम लोगों ने ये भी देख लिया, इसके साथ ही हमारा हो जाता है क्या, अपनी क्लास आ जाता है। उम्मीद है कि आप लोगों को काफी ज्यादा उम्मीद है, इनमें से कुछ ना कुछ डेफिनेटली फंसेगा, सारे बोर्ड्स में फंसेगा, काफी कुछ फंस सकता है। सीमा का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफेंस का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आरबीआई के क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मार्जिन कॉस्ट और प्रोडक्शन की बात है, वो सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है आपको इस सारी चीजों से काफी फायदा मिलेगा। हम लोग मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लेकर बताइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों का शेयर करिए, हम लोग आप लोगों के लिए काफी मेहनत करते हैं और उम्मीद है कि आप लोगों को मदद मिलेगी, आप भी हमको मदद करेंगे। मिलते हैं, जय हिंद जय भारत, और गर्दा उड़ा देंगे। Thank you.